हनुमान मंदिर का दिखावा न करे कांग्रेस, प्रियंका गांधी को सड़क पर नमाज पढ़ते हुए देखा स्मृति ईरानी ने किया बड़ा दावा। प्रयागराज में हुए मेषपाल हत्याकांड के पीछे अतीक अहमद नहीं गुड्डू मुस्लिम था, अतीक के वकील ने किया खुलासा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए चौराहे पर लटका देना, अरविंद केजरीवाल का बयान। स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले इस फिल्म ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया। हापुड़ में दहाड़े सीएम योगी, पहले का दंगा प्रदेश अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, राज्य में माफियाओं का हाल तो आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 50 हिंदुओं ने कबूल किया इस्लाम, सरकार का लगा आरोप। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा, हिंसाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश, 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद। शरद पवार ने बदला अपना फैसला, बने रहेंगे एनसीपी अध्यक्ष, बोले पार्टी के लिए करता रहूंगा काम। बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन को लेकर हो रही तेज सियासत, दिव्य दरबार भव्य तैयारी, पहली बार बिहार दौरे पर आएंगे बागेश्वर। बिलावल आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता बनकर आए, जयशंकर बोले कश्मीर भारत का था और रहेगा। जय बजरंग बली तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, बजरंग दल विवाद के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी को करारा जवाब। मोदी ने जैसे जय बजरंग बली का नारा लगाकर वोट डालने को कहा, वैसे ही सभी मराठी जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाकर मतदान करिए, उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक में मराठी भाषियों से की अपील। नीतीश सरकार को बड़ा झटका, एनजीटी ने बिहार पर 4,000 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना, 2 महीने में करना होगा जमा। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म दी केरल स्टोरी पर रोक लगाने से किया मना, कहा फिल्म किसी धर्म विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। कोची में सिनेमा घरों ने रद्द किए दी केरल स्टोरी के शो, फिल्म पर मचे बवाल से डरे थिएटर मालिक। बीजेपी ने मांगा सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, कहा एफआईआर के बाद हो गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में पति और 4 बच्चों को छोड़कर भागी महिला, पति बोला ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा ऐलान, दुनिया से कोरोना हुआ खत्म, डब्ल्यूएचओ ने की घोषणा। जयमाला के दौरान दुल्हों को नशे में देख भड़की दुल्हन, शादी से कर दिया इनकार, पंचायत में भी नहीं बनी बात। कांग्रेस को अब जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति, पीएम मोदी बोले तुष्टिकरण के गुलाम हो चुकी है पार्टी। केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन पर फिर लगी रोक, अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान। बजरंग दल को बैन किया तो सारे मस्जिदों को बंद करना होगा, बजरंग दल पर कोई नहीं लगा सकता रोक, गिरिराज सिंह का विवादित बयान। मैं अल्लाह अकबर बोलकर वोट मांगू तो क्या ठीक रहेगा, मोदी के जय बजरंग बली के नारे पर ओवैसी ने साधा निशाना। मोदी में हिम्मत है तो अपने बल पर वोट मांगे, बजरंग बली के बल पर नहीं, उद्धव ठाकरे ने जोरदार किया हमला। आज के शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 694 से गिरकर 61,054 अंकों पर हुआ बंद।